वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवल्लभ लाल की जय। अल्पेली सरकार की। 25 ड्राइवर्स स्टार्ट एवरी सीजन इन फॉर्मूला 1 एंड ईच ईयर 2 ऑफ अस डाई। What kind of a person does a job like this? Not normal men for sure. Rebels, lunatics, dreamers, people who are desperate to make a mark and are prepared to die trying. बहुत अच्छा प्रश्न किया। What kind of a person does a job like this? Rebels, lunatics, dreamers, gamblers. क्योंकि they want to make a mark. They want to do something out of their lives. They want to achieve something. एक passion, एक जोश, which is guiding them, and they say that they want to make a mark and are prepared to die trying. क्योंकि life की हर situation में हमको दो रास्ते मिलते हैं। एक भाग लो, दूसरा भाग लो। यानी एक होता है give up करके, run away, participate मत करो। दूसरा होता है कि सिचुएशन की नीड्स के अनुसार, सिचुएशन की वांट्स के अनुसार, जिस सिचुएशन ने जो टाइप की चैलेंज रेज करी है उसके अनुसार अपने आप को ढाल करके, प्रिपेयर करके, हिम्मत करके, करेज जुटा करके पार्टिसिपेट करो। उस सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत जुटाओ और करके बताओ। भाग ले करके, पार्टिसिपेट करके, कुछ भी करके, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने के प्रयास में कुछ भी करने तैयार रहते हैं। वरना जो बाकी सब है, जो भाग लो वाले हैं, उनके लिए तो एक ही रास्ता है, जिसपे चुपचाप सर को झुकाए हुए बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म। जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी नहीं उनको ये रास्ता कहीं ले जाएगा या कहीं भी नहीं। यानी जस्ट लिविंग एंड फॉलोइंग, नॉट इवन थिंकिंग और हैविंग अ गोल टू रीच। पूज्य माँ ने बहुत सुंदर बात कही, जीवन का दुर्भाग्य ये नहीं कि लक्ष्य तक पहुंचे नहीं, दुर्भाग्य तो ये है कि मेजॉरिटी के लिए पहुंचने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं है। यानी बंद आंखें किए लोग चलते हैं सारे जन्म, जानते भी नहीं, सोचते भी नहीं, पूछते भी कि ये रास्ता उनको लेकर कहीं जाएगा या कहीं। पहुंचने के लिए कोई टारगेट है ही नहीं, कोई लक्ष्य है ही नहीं। कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि मुझे कहां पहुंचना है, क्या हासिल करना है, जीवन का मेरा टारगेट क्या है, मुझे जीवन में क्या अचीव करना है, मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं, पहुंचना चाहती हूं, ये कभी सोचा ही नहीं। और चलते चलते कहीं एक मोड़ आता है सीधे रास्ते से बिल्कुल अलग, और कोई दीवाना ही होता है जो कि उधर जाता है। सीधे रास्ते पे चलना चुपचाप बंद आंखें किए ठीक है, आसान है, लेकिन कोई दीवाना होता है जो उस समय उस मोड़ को देख करके उधर मुड़ जाता है। दीवाना, नॉट नॉर्मल मैन फॉर श्योर। रेबल्स, लूनेटिक्स, ड्रीमर्स, people who are desperate to make a mark and are prepared to die trying. Steve Jobs, not normal. Think different. Elon Musk, Julian Mantle, the man who sold his Ferrari. ये सब normal नहीं है। पूज्य माँ के वहाँ कृष्णा पाटिल आई मिलने, छोटी सी बच्ची पूज्य माँ को मिलने आई। देखो, mention इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर चर्चा हो रही है not normal people, people who are desperate to make a mark and are prepared to die trying. Typical, वो आई, छोटी सी बच्ची पूज्य माँ से कहती है कि मैया, मेरा मन है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँ, and I want to become the youngest girl to climb माउंट एवरेस्ट। ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर ली, youngest girl to climb माउंट एवरेस्ट। Then she sent a message that I will climb the highest peaks in all the continents. इसलिए इन लोगों को rebels, lunatics, dreamers, gamblers, इन सब लोगों ने अपने जो passion था उसके ऊपर दाव लगाया, जो मोड़ देखा था उस पे मुड़ गए, कुछ
करके दिखाने के चक्कर में, उस अलग रास्ते पे चलने के जोश में, they were prepared to do anything, stake everything for it. ये नॉर्मल व्यक्ति नहीं है. आप संसार में ले लो या आध्यात्मिक क्षेत्र में ले लो, नॉट नॉर्मल पीपल फॉर श्योर. स्वामी विवेकानंद जी, योगानंद जी, शिला प्रभुपाद जी, पूज्य श्री संत मां ब्रजदेवी जी, गुरु सदगुरुदेव हमारे, दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल. दीज आर पीपल हु आर गोइंग टू मेक अ मार्क इन द सोसाइटी एंड हैव स्टेक्ड एवरीथिंग फॉर इट. मीराबाई, महलों की रानी, धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, जो भी बोलो आप, लेकिन मोड़ जो देखा था उस पर मुड़ गए, इसीलिए आज वो मीराबाई. नहीं तो कई रानियां आई, कई रानियां गई, न किसी की चर्चा, न किसी की बात. इन लोगों ने कुछ ऐसा किया जिससे ये सत्य हो गया जो प्रभु ने राजा बलि को कहा था, कि उस चांस को लेकर के अगर व्यक्ति आगे बढ़ता है, उस समय जुआ खेल जाता है, अपना सर्वस्व लुटा देने को तैयार हो जाता है, आर प्रिपेयर टू स्टेक एवरीथिंग फॉर इट, देन एंड ओनली देन हाइट्स रीच्ड बाय ग्रेट मेन वेर नॉट ऑब्टेन्ड इन अ सडन फ्लाइट, बट दे व्हाइल देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वेर वर्किंग अपवर्ड्स इन द नाइट. इन्होंने हासिल किया जो मुकाम, चाहे हम लोग मटेरियलिज्म में देखें, चाहे हम लोग स्पिरिचुअल में, दोनों में हम लोगों ने देखा, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक एफर्ट गया अंदर, उस अलग रास्ते को चुन करके उस पर चलने के लिए एक एफर्ट हो लगता है. इट इज नॉट दैट हाँ वे चुन लिया और पहुंच गए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उसके पीछे लगन लगानी पड़ती है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है. कल किसी ने एक प्रश्न किया था कि हम लोग चलें उस राह पर, उस मार्ग पर अपने पैशन को साथ लेकर, और आधे में हमको लगे कि अरे अब तो नहीं हो रहा, तो क्या करें. तो हमेशा याद रखो, चाहे वो आपने इस मार्ग को लिया हो या उस मार्ग को लिया हो, दोनों में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ या करती हूँ, दैट हैज नथिंग टू डू विथ मी गिविंग अप. अगर आप इधर अपने मार्ग पे चले हो, अलग रास्ता लेकर के चले हैं, लेकिन अर्धे में, हाफ वे डाउन द लाइन, यू फील नो आई डू नॉट वॉन्ट, आई कैन नॉट डू इट, आई डू नॉट हैव द कैपेसिटी, तो सिमिलर सिचुएशन में आप उस तरफ भी होते, नॉर्मल वे में भी गए होते, तो भी आप गिव अप कर देते, बिकॉज हाइट्स रीच्ड वेर नॉट ऑब्टेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. दे व्हाइल देयर कंपेनियन स्लेप्ट वेर वर्किंग अपवर्ड्स इन द नाइट. इन लोगों ने मेहनत की, अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करके, अपने क्षेत्र में मेहनत करके, बुद्धि लगा करके, ताकत अपनी पूरी झोंक करके, सर्वस्व अपना लगा कर उस मुकाम को पाया. तो हमको भी ये देखना है कि मैं ये सीना ठोक के बोल सकूं कि मैं मेरा सपना नहीं बदलता अपनी सच्चाई से मेल खाने के वास्ते, मैं अपनी सच्चाई बदलूंगा जो मेरे सपने से मेल खाए. मेरे अंदर ये है क्या? Do you have it in you? Is your passion strong enough कि मैं ये सीना ठोक के बोल सकूं कि मैं मेरा सपना नहीं बदलता अपनी सच्चाई से मेल खाने के वास्ते, मैं अपनी सच्चाई बदलूंगा जो मेरे सपने से मेल खाए. अगर पैशन नहीं है, अगर हिम्मत नहीं है, अगर हमारे अंदर जोश नहीं है, अगर मुझे लगता है नहीं कर तो लो लेकिन पता नहीं करूं कि नहीं करूं, पता नहीं कैसे क्या, देखते हैं ट्राई कर लेते, ना 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 ना, इन लोगों ने ट्राई करने के लिए नहीं, वहां क्या बताया, दे आर डेस्परेट टू मेक अ मार्क, प्रिपेयर टू स्टेक एवरीथिंग फॉर इट. ऐसे ही नहीं कि भैया मैंने बोल दिया वो बदल गया, ना 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 ना, मेहनत तो बहुत लगती है, ऑब्स्टिकल्स भी बहुत आते हैं. अगर हम अपने आप को ये नहीं पूछ सकते कि डू यू हैव इट इन यू, इज योर पैशन स्ट्रॉन्ग इनफ. आज वो कृष्णा पाटिल ने माँ को कह दिया, मैया मेरे को एवरेस्ट चढ़ना है, यहाँ तो 10 माले की बिल्डिंग चढ़ना हो तो सांस फूल जाए, लेकिन उस लड़की ने करके बताया. उसके बाद जो जो उसके पैशन ने उसको जैसे जैसे रास्ता बताया वैसे करके बताया. मेहनत लगी, कोई आसानी से नहीं कर सकता ये. इसीलिए आज हमको ये देखना है, इज माई पैशन स्ट्रॉन्ग इनफ, वरना बाकी तो सब सीधे रास्ते पे ही अपने सारे जन्म चलते हैं, सर झुकाए, बंद आंखें किए, और ये दुख लिए कि मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम तो न जाने कहां तक पहुंच पाते. अगर पैशन नहीं है,
तो व्यक्ति ऐसे सोचते हुए दिन निकालता है कि हाँ भैया, उस मोड़ पे मुड़ जाते तो आज हम क्रिकेटर होते, आज हम ऐसे होते, आज हम पेंटर होते, आज मैं फोटोग्राफर होता, आज मैं किसी ऐसे मुकाम पे होता जिस पे मैं दूसरों को देख रहा हूँ। मटेरियल हो या स्पिरिचुअल हो, दोनों ही लाइन में ही अप्लाई करता है। मोड़ जो देखा था उस पे मुड़ जाते हम तो न जाने कहां तक पहुंच पाते हैं। दोनों जगह अप्लाई करता है। जो व्यक्ति केवल कंफ्यूजन में रहता है वो डिसीजन नहीं ले पाता, क्योंकि इन द एंड द ओनली रिग्रेट्स आर द चांसेस वी डिडंट टेक। वो केवल रिग्रेट करते रह जाता है कि हाँ, उस चांस को ले लिया होता और सदगुरुदेव बोल रहे थे आजा संसार में मत पड़, ठाकुर जी की लाइन में आ जा, ठाकुर जी की सेवा में आ जा, चूक गया और फंस गया। दोनों ही लाइन में ही अप्लाई करेगा। इन द एंड द ओनली रिग्रेट्स आर द चांसेस वी डिडंट टेक। किसी ने खूब कहा, आई थिंक इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हस्तियां आई है, ये हमारे आपके जैसे ऑर्डिनरी में से ही आई है। इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं पॉसिबल नहीं है, तुम एक ऑर्डिनरी व्यक्ति हो, कैसे कर पाओगे कि नहीं कर, ना, इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी पीपल टू चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी अपनी चॉइस से आई कैन चूज टू बी अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, प्रोवाइडेड आई एम रेडी टू बैक इट अप विथ एफर्ट्स, विथ माई पैशन, विथ माई ड्राइव टू अचीव वॉट आई हैव टारगेटेड फॉर। टू बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, द amount of effort that goes in is the most important thing। जितना sacrifice इन लोगों ने जीवन में किया है अपने अपने क्षेत्र में वहां तक पहुंचने के लिए, that is how they become extraordinary from ordinary people। So it is possible for an ordinary person to become extraordinary, because two roads diverged in a wood, I took the one less traveled by and that has made all the difference। दो रास्ते दिखे मुझे एक राह पर, एक पर बहुत सारे पग चिन्ह थे, बहुत लोग वहां पर ट्रैवल किए थे, दूसरा जो रास्ता था उस पे बहुत कम पैरों के निशान दिखे। उस जगह पे खड़े रह करके आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, जिस पे बहुत ही कम निशान थे पैरों के, मैंने वो रास्ता लिया एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। इफ यू आर नॉट विलिंग टू रिस्क द अनयूजुअल, यू विल हैव टू सेटल फॉर द ऑर्डिनरी। राजा बलि ने अगर नॉर्मल व्यक्ति की तरह 48 मिनट्स दो घड़ी आनंद ले लिया होता स्वर्ग के सिंहासन का, तो ऑर्डिनरी पर्सन रहता। लेकिन उसने अनयूजुअल रिस्क लिया, दाव खेला, उसीलिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बने। यही फर्क होता है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।